छतरपुर में उस समय उद्योग के विभाग में हंगामे की स्थिति बन गई जब विभाग के बाहर कुमटियों को राजस्व विभाग ने जेसीबी मशीन की मदद से हटा दिया। कुमटियों के हटते ही दुकानदार इकट्ठे हो गए और विभाग के अंदर जाकर जमकर हंगामा किया। साथ ही विभाग के अधिकारियों पर रुपए मांगने के आरोप लगाए। कुछ गुमटी वालों का आरोप है कि उनसे विभाग के अधिकारी हर महीने किराया वसूलते थे। वहीं कुछ ने उद्योग विभाग के प्रबंधक पर 2 लाख रुपए मांगने के आरोप भी लगाए हैं। विवाद बढ़ते ही उद्योग विभाग के अधिकारियों ने पुलिस को मौके पर बुलाया। लड़ाई झगड़ा नहीं, तुम बड़ा बात यही बताने आए। दुकान हमारी नयगांव रोड हीरो एजेंसी के बगल में मेरी दुकान है, केजीएन बर्थ शॉप के नाम से। और मेरी आज दुकान उन लोगों ने, उद्योग विभाग वालों ने तोड़ दी है, क्योंकि मैं उन्हें 2 लाख रुपए नहीं दे पाया। आशुतोष गुप्ता को मैं 2 लाख रुपए नहीं दे पाया और मिश्रा जी को 5,000 रुपए का महीना देते थे। मैंने 5,000 रुपए, 5,000 रुपए का मैं महीना देता था। तो मैंने हर एक तारीख को 5,000 का महीना देते थे। और वो ये कहते थे, जब तक तुम पैसे दोगे हमें, जब तक तुम्हारी दुकान नहीं टूटेगी, ठीक है, ना कोई बात होगी। आज से मैंने, यानी कि बिना बताया उन्होंने दुकान तोड़ दी मेरी। मैं नमाज पढ़ने गया था मस्जिद। उनकी हैसियत ही 2 लाख देने की, पहला प्रश्न। दूसरा कि अभी अपने स्वच्छता सर्वेक्षण होना है और स्वच्छता सर्वेक्षण में ऑफिस इतना गंदा दिखाई, यदि आप लोग लोकल हो तो आपने देखा होगा ऑफिस कैसा दिखता था पहले, 4 दिन पहले कैसा दिखता था या 2 साल पहले कैसा दिखता था। ऑफिस को साफ करना था। दूसरा, जो दुकान तोड़े गई, गुमटियां तो टेम्परेरी रहती हैं, जो दुकान तोड़े गई वो अतिक्रमण में थी। उसके बाद जमीन के पेपर होते, तो दुकान के लिए उद्योग विभाग में कभी जमीन नहीं दी जाती है। उसको मैं 2 साल से समझा रहा था कि तेरा नुकसान हो जाएगा, हटा ले। वहां मुझे बनवाना टॉयलेट, उद्योग क्षेत्र में एक भी टॉयलेट नहीं है और यहाँ तहाँ लोग कहीं भी गंदगी करते हैं और महिलाओं के लिए और ज्यादा परेशानी है। माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा निर्देश दिए गए थे, इसके संबंध में उद्योग विभाग द्वारा भी कलेक्टर महोदय से शिकायत की गई थी कि उनकी भूमि पर अतिक्रमण किया जा रहा है। इसके संबंध में हमने नगर पालिका के माध्यम से आज जो भी अनावश्यक अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किया गया था उसको हटवाया गया है। और इस तरह और भी जहाँ जहाँ अतिक्रमण होगा अनाधिकृत रूप से, तो अभियान के तौर पर कलेक्टर महोदय ने कार्रवाई की।